चावल दे दो मेरे बच्चे लोग भूखे हैं एक गिलास चावल तो दे दो मेरे बच्चे लोग भूखे हैं देखो हमारे गांव की भिखारी आ गई है हमारे गांव की कुतिया आ रही है चारों बच्चों को लेकर ट्रेन में निकल गई कि आज अब अप मैं अपने आप को आत्महत्या करूंगी और चारों बच्चों को ढकेल दूंगी उसी में क्योंकि इतने बड़े दुनिया में कोई देने वाला कोई नहीं शायद मेरा जन्म उसी दिन हुआ मैं दो में कहते हैं ना मन में ढेरी इच्छा शक्ति लगन और स्वयं के प्रति विश्वास हो जाए तो बड़ा सा बड़ा काम किया जा सकता है हमारे अंदर में सबसे पहले हमारा जो दुश्मन है हमको लगता है कि हमारा दुश्मन बहुत सारा है जैसे गरीबी है अज्ञानता है समाज का ताना है एक बेटी है बहुत सारा मन में रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती अब वो है हमारा डर डर को हथियार बना दिया जाए डर को तलवार बना दिया जाए और उसके सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं कभी मैं नहीं सोची थी कि मैं आज भी राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ या कहीं हवाई जहाज में उड़ सकती हूँ सकती हूँ कभी नहीं सोची थी मेरे पास तो चप्पल भी नहीं था मेरे पास एक साड़ी को दो टुकड़ा करके माँ बाप पहनाते थे मेरे पास तो एक बर्तन नहीं था मेरे पास एक दाना नहीं था चावल का तो इतना बड़ा जो माँ अम्बलेश्वरी जनहित का समिति एक बहुत बड़ा फोडरेशन जो बना ये मेरा सोच नहीं था परिस्थिति सोच को बदल देती है मैं सुनिए मैं चीज अपना बता रही हूँ कोई पुस्तक का लिखा हुआ नहीं है कोई टीवी का देखने वाला नहीं है ये मेरी खुद की कहानी है जिससे मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे कोई भी माँ तड़फे मत मेरे जैसे मेरे बच्चे लोग जैसे तड़प रहे थे वैसे किसी की बच्चे ना तड़फे नमस्कार मेरा नाम फुलबासन यादव है मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ एक छोटे से गाँव जहाँ दूर नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाका में रहती हूँ और वहाँ सिर्फ सात साल की उम्र में मैं एक छोटे से झोपड़ी में मेरे माँ बाप चाय का दुकान चलाते थे और उस चाय के चाय के दुकान में बहुत कम ग्राहक आते थे हम लोग पाँच बहन दो भाई थे हम लोग एक दिन दो दिन तीन दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था माँ बाप जब जब खाना मांगते थे माँ बाप बस ले बेटा सो जा शाम को गरम गरम बना के खिलाएंगे फिर शाम को भूख लगता था पेट दबाते थे कि माँ हमको बहुत जोर से भूख लगा माँ बोलती थी ले बेटा सुबह गरम गरम बनाएंगे ऐसे करते करते एक दिन दो दिन हमारा भूख के कारण पेट में इतना दर्द होता था फिर माँ क्या करे माँ बाप एक कोना में बैठ के रोते थे बाकी भाई बहन को तो समझ में नहीं आता था लेकिन मैं इस चीज को समझ रही थी कि हमारे घर कोई चावल दाल नहीं है इसीलिए हमारी माँ खाना नहीं बना रही है और रो रही है होटल में मैं भी कब्बसी धोती थी वहाँ जाती थी तो सबसे पहले वहाँ वहाँ ड्रावल कंडक्टर चाय पीने आते थे उनके जेब में मैं पैसा और पेन देखती थी सात साल की उम्र था उस समय में एक साड़ी तीन टुकड़ा करके मेरी माँ पहनाती थी मेरे पास कपड़ा भी नहीं रहता था अब उस ड्रावल कंडक्टर और वहाँ के जो स्कूल बिल्कुल स्कूल लगा था बाजू में वहाँ के सर लोग आते थे तो जब वो सर लोग आते थे तो उनके जेब में पैसा और पेन मेरा मेरे को बहुत प्रभावित करता था कि जो इंसान पढ़ लिख पढ़ता लिखता है वो बहुत पैसा कमाता है और ये पेन में बहुत बड़ी ताकत है था। मेरे को भी पढ़ना चाहिए इन लोग बहुत पैसा पकड़े हैं फिर मेरा भी मन लगा कि मैं पढ़ना पढ़ना है और मैं स्कूल दौड़ते दौड़ते स्कूल चले गई स्कूल में जाती थी तो स्कूल में बोलते थे सर कि तू मत अभी सबसे पहले तू कपड़ा पहन के आ तेरे माँ बाप को बुला भर्ती होना पड़ेगा पुस्तक लेना पड़ेगा तब भर्ती होगी तब पढ़ना तू सामने में आके खड़े हो जाती है फिर दौड़ते हुए फिर होटल में आती थी होटल में कई बार अपने माँ बाप को बोलती थी उन लोग ध्यान नहीं देते दे थे तो मैं स्कूल के बाजू में जितना पन्ना पड़ा रहता था उसको उठा लेती थी और सुई में ऐसे सिल सिल के पुस्तक बनाती थी क्योंकि गुरु को पुस्तक चाहिए मेरे पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ूंगी मेरे को जाना है पुस्तक बना के फिर अपने होटल के पीछे में ही बैठ के उसको ऐसे झूल झूल के झूल झूल के पढ़ते रहती थी कि कम से कम कुछ अक्षर तो आ जाए लेकिन कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है मेरे लिए भैंस के बराबर था वो अक्षर दूसरे ड्राइवर कंडक्टर पांचवी कक्षा पढ़ा है ऐसी कोई दो रुपया पाँच रुपया कोई ड्रेस लिए कोई पुस्तक लिए पढ़ते ही पढ़ते मेरा शादी कर दिया दस साल में शादी कर दिए तेरह और चौदह के बीच में, में मेरे को ससुराल भेज दिए मेरे को पता नहीं था ससुराल का मतलब क्या होता है मैं तो पढ़ना चाह रही थी कुछ करना चाहती थी जब मैं ससुराल में आई तो वहाँ देखती हूँ कि वहां मेरे माँ बाप एक साड़ी पहना के मेरे को भेज दिए शादी कर तो भेज दिए एक साड़ी पकड़ के ना पैर में चप्पल था न कुछ नहीं वहां आई तो चार लकड़ी में खंभा लगा था प्लास्टिक का झोपड़ी था उस घर में आई तो एक मिट्टी का बर्तन था खाने का बनाने का खाने का बर्तन था वहां एक दाना चावल भी नहीं था मेरे समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि मैं क्या करूं क्योंकि मेरा कुछ नहीं आता था लकड़ी बिना बर्तन धोना झूठा बर्तन साफ करना और मेरे भेज तो दिए मेरे पति भी बहुत कम उम्र में था पढ़ा लिखा नहीं और हम पूरे गांव का गाय और बकरी चराते थे गाय बकरी चराते चराते मैं बीस साल तक गाय बकरी चराते चराते मेरा दो बेटी और दो बेटा का जन्म हुआ मैं बहुत कम उम्र में माँ भी बन गई मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मैं मेरा सबसे छोटा बेटा डेढ़ साल का था और बड़ी बेटी सात साल की थी बाकी बेटी और बेटा और थे मैं अपने पति के साथ गाय बकरी चराती थी तो चराते चराते जब शाम हो जाता था हम शाम को छह बजे आते थे अपने पति के साथ मैं तो एक दिन दो दिन तीन दिन भूखे प्यासे रहती थी मेरा डेढ़ साल का बेटा था जैसे आती थी तो वो लोग खड़े नहीं हो पाते थे भूख के कारण दो दिन तीन दिन बच्चों के लिए भूख रहना है मेरे लिए बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण काम था चारों बच्चे मुंह से आवाज नहीं निकलता था रोते थे तो आवाज नहीं निकलता था एक माँ वो होती है जो कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के जन्म देती है खुद हर संघर्ष करती है लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं चाहती कि वो बच्चा भूख रहा है हर अपना जितना भी उम्मीद है अपने ऊपर जो सोचती है कि मैं ये करूंगी सब उम्मीद को मार देती है वो माँ होती है मैं तो वो माँ हूँ जो अपने बच्चे लोग को तड़पते हुए इस दुनिया में देखी हूं जैसे ही मैं छह बजे आती थी बच्चे लोग को गले लगा के अपने गांव में घूमती थी एक मिट्टी का कटोरा लेके चारों बच्चों को लेके दस बजे रात तक घूमती थी कि चावल दे दो मेरे बच्चे लोग भूखे हैं एक गिलास चावल तो दे दो मेरे बच्चे लोग भूखे हैं लेकिन इतने बड़े दुनिया में एक माल अचार होती है जिसके गली में जाती हूँ वहां दरवाजा बंद हो जाता था जिस गली में जाती हूँ तो यही बोलते थे कि देखो हमारे गांव की भिखारी आ गई है हमारे गांव की कुतिया आ रही है माँ को सहन हो जाता है वो सब चीज लेकिन फिर भी तो कोई दो वक्त तक रोटी दे दे एक गिलास चावल तो दे दे चावल तो बहुत दूर की बात एक चावल का माड़ भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था दस बजे रात तक घूमते रहते थे पूरे गांव में एक मिर्च दे दो एक नमक दे दो मेरे बच्चे लोग तड़प रहे हैं भूख के कारण लेकिन तो मैं तो सोचती हूँ कि इतना बड़ा दुनिया सबका मां बाप होता है गरीब का को कोई मां बाप नहीं होता जिसके घर में दो वक्त की रोटी है तो दुनिया है जिसके घर में दो वक्त की रोटी नहीं उसका परिवार भी साथ नहीं देता बस सोच ली कि पूरे ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है मैं अपने बच्चे लोग को चारों बच्चों को लेकर ट्रेन में निकल गई कि आज मेरे गांव से तीन किलोमीटर ट्रेन चलती है अब मैं अपने आप को आत्महत्या करूँगी और चारों बच्चों को ढकेल दूंगी उसी में क्योंकि इतने बड़े दुनिया में कोई देने वाला कोई नहीं है जून तीन जून का महीना था मेरे बच्चे लोग को ले मैं निकल गई कटने के लिए ट्रेन में पैर में ना चप्पल था ना दो दो दिन से भूखे बच्चे थे आखिरी अंतिम था कि मैं मरूं और अपने बच्चों को मारूं जैसे ट्रेन का आवाज आया नजदीक आया बच्चे ट्रेन तो बच्चे चारों बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको मरना नहीं है हमको जीना है एक माँ के लिए बहुत बड़ी दुख की बात होती है जो अपने बच्चे को दो वक्त की रोटी खिला नहीं सकती शायद मैं भी वो अभागिन माँ थी मैं अपने बच्चे लोग के लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि वो माँ कहीं हड्डी के टूटर दर्द को सह के जन्म देती है हर उम्मीद मारेगी हर तकलीफ सहेगी लेकिन माँ तो माँ होती है मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बस सही था जैसे ट्रेन की आवाज आए चारों बच्चे जैसे डालने वाली थी चारों बच्चे मेरा पैर पकड़ लिए और चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको मरना नहीं है हमको जीना है आपको भी नहीं मरना है आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मंगेंगे मेरा जन्म उसी दिन हुआ मैं 2001 में वहां से अपने बच्चे लोग को जब बोले बच्चे लोग तो मैं उसी दिन सोच ली कि आज मैं कितनी बड़ी पाप कर रही थी अपने बच्चे लोग को मार रही थी और मैं खुद मर रही थी आज मेरे जैसे कई गरीब माँ बाप होंगे कई ऐसी माँ होगी कई ऐसे बच्चे होंगे जो अनाथ होंगे और उन लोग के घर में भी खाना नहीं होगा उन लोग भी ऐसी आत्महत्या करते जाएंगे मरते जाएंगे क्योंकि सबका माँ बाप है गरीब का को कोई नहीं है ये सोच के मैं लगा कि मैं अब आज के बाद मरूँगी नहीं ना अपने बच्चे को मारूँगी जिंदगी जीना है तो समाज के लिए और मर भी जाऊँगी तो समाज के लिए ये सोच के दो में मैं ग्यारह महिलाओं को लेके मैं संगठन बनाई उस संगठन में ग्यारह महिलाएं, क्योंकि एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है पंद्रह बीस लकड़ी को गठा बांध दिया जाए तो किसी में ताकत नहीं तोड़ सके मेरे मन में लगा कि एक मल अचार है लेकिन हम दस ग्यारह महिलाएं लाचार नहीं हैं एक एक मुट्ठी भी चावल इकट्ठा करते हैं और दो रुपये पैसा जमा करते हैं तो कम से कम दस माह बन के उस बच्चे को खिला सकते हैं दस माह बन के उस बच्चे का पढ़ाई करवा सकते हैं और दस माह बन के उस बच्चे का इलाज करा सकते हैं ये दो में मेरे को लगा कि मेरा कुछ करना है अब अब मरना नहीं है ऐसे करके ग्यारह महिलाओं को बनाई दो मुठ्ठी चावल दो रुपये पैसे से जैसे बनाई तो सबसे पहले गांव विरोध करने लगे इतना विरोध किए कि मेरे को तीन दिन चार दिन ग्यारह महिलाओं को बैठा देते थे ये पहले बीस बाईस तेईस साल के पहले ना कोई भी पुरुष महिलाएं को निकलने नहीं देती थी घूंघट में रहने का प्रथा था कोई भी बाहर आए तो पुरुष निकलते थे महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकलती थी और कुछ भी है तो पुरुष ही सामने बैठते थे महिलाएँ बाहर में बैठ नहीं पाती थी बस जो भी है अपने पति के अपने परिवार के समाज के अत्याचार को सहते सहते उसने अपने घर में ही रहते थे किसी को बोल नहीं पाते थे उस समय में जब मैं निकली तो सबसे पहले मेरे ऊपर बहुत विरोध हुआ इतना विरोध हुआ कि पूरे गांव के लोग मेरे बैठालते थे पूरा दस ग्यारह महिलाओं को और बैठाल के बोलते थे कि तू गाँव पुरुष का काम क्यों कर रही है पुरुषों का काम है हम जो चीज़ चाहते हैं हम करेंगे इनको गाँव से बाहर निकाल दो इनको सामान देना बंद कर दो इनको पानी भरना बंद कर दो बहुत अत्याचार किए और इस इसके साथ साथ इस ये सब चीज़ देखते हुए मेरे पति भी मेरे को घर से बाहर निकाल देते थे दस दिन पंद्रह दिन घर के बाहर में बैठ के गीला कपड़े में पहन के मैं एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता था पानी पी पी के दस दिन बारह दिन बिताती थी और बाहर में पड़े रहती थी क्योंकि मेरे पति गलत नहीं है या समाज गलत नहीं है समाज का सोच गलत है सोच जब बदल जाए ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि माँ तो राम को कृष्ण को जन्म दे सकती है ऐसे नहीं है कि पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है ये सोच के उन लोग का जितना भी कहना था मैं उसको चुपचाप सुनती थी क्योंकि वो समय में, में मेरा समाज विरोध नहीं पति या परिवार विरोध नहीं मेरे को वो जगह मिल चुका था वो था मेरा लक्ष्य मन में ढीन इच्छा शक्ति और लगन स्वयं में जब इंसान को जुनून हो जाता है ना तो कोई भी गाली कोई भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि जिंदगी में जो इंसान गाली खाएगा उसी को ताली बजाने बजाएंगे जो इंसान संघर्ष करेगा उसी को मंजिल मिलेगा मेरे को पता था कि आज की जिंदगी में कोई नाम से कोई बहुत बड़ा नहीं होता कोई भी इंसान हो अपने नाम से कोई बड़ा नहीं होता अपना कर्म से बड़ा होता है मैं अपने गांव अपने परिवार को काम करके दिखाऊंगी उस समय जब मारते थे तो नाक और मुँह से बहुत खून आता था फिर भी सहन करते हुए पूरे गांव के विरोध करते हुए महिलाओं को का समूह में मिल बाल भोज शुरू की माचिस के तिली से चावल इकट्ठा करती थी उसमें बाल भोज शुरू की जो कुपोषण के लिए होता था वृक्षारोपण लगाती थी क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बहुत ज्यादा परेशानी भुगतना पड़ता था पानी नहीं रहता था तो वृक्षारोपण गांव के लिए पूरा स्वास्थ्य शिविर लगाती थी और स्वयं बारह बाटा रक्तदान कई की क्योंकि पुरुष लोग रक्तदान करते हैं महिलाएं डरती है जब पुरुष जब दे सकते हैं तो महिलाएं भी कहीं से कमजोर नहीं है इसलिए 2001 में रक्तदान हम लोग किए और उससे जब वहाँ के कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव सर आज मैं गुरु के रूप में मानती हूँ वो सर नीचे में बैठ के सुन रहे थे मेरे को नहीं पता था मेरा तो पैर पूरा सर में पूरा ब्लड बंधाया था पैर में बड़ा बड़ा फोड़ा रहता था साड़ी पूरा पचास जगह फटा रहता था और हड्डी की ढांचा थी मैं और जब कलेक्टर आके वहाँ जब आए सर तो जैसे ही आए तो मैं नीचे में बैठ कर लोग सुन रहे थे और मेरा पहले मंच था रेडियो में बो रही थी और मेरे को नहीं मालूम कि क्या चीज़ बो रही हूँ कहते हैं दिल का बात दिल में जाके ही चुपता है इसलिए मैं कलेक्टर बोले कि आज के बाद आप एक नहीं हो हम आपके भाई हैं और आप पूरे जिले में आप बनाइए और मैं पैदल जा जा के जा जा के पूरे गाँव गाँव में संगठन बनाई ग्यारह महिलाओं का संगठन से ले आज चौदह हजार से ज्यादा हमारी महिला समूह बना और जो दो रुपए पैसा जमा करते थे वो करोड़ बचत राशि है और महिलाएं दो लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी जूड़, हैं ये काम खाली ये मेरा नहीं है मेरे साथ में मेरी वो बहन है पढ़ना लिखना तो नहीं आता लेकिन कहते हैं ना कि एक कुत्ता को पत्थर उठा के मारो तो कुत्ता डर के भग जाता है बिल्ली को भी एक बिल्ली को मारोगे तो बिल्ली डर के भग जाएगी लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई भी पत्थर उठा के मारे तो उसी का वो हाल मधुमक्खी करेगी ऐसे एक हमारा मधुमक्खी का छाता बन चुका है इसलिए हम लोग लगातार शिक्षा में लेके स्वास्थ्य में लेके स्वच्छता में लेके रोजगार में लेके और नशा मुक्त समाज के लिए हम लोग काम करते हैं दो लाख महिलाएं शिक्षा में जैसे बेटियां पढ़ मैं खुद नहीं पढ़ पाई हूँ तो मेरा मेन सोच ये है कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में ऐसी कोई बेटी ना हो जो ना पढ़े या कोई महिला ना हो जो ना पढ़े क्योंकि पढ़ेगी तो एक घर को नहीं दो घर को तारने वाली एक बेटी होती है वो नाम रोशन करने वाली दो कुल को बेटी है देश का नाम रोशन करने वाली बेटी है क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हूं तो क्या हुआ मेरी बेटिया तो पढ़े मेरे छत्तीसगढ़ मेरे भारत की बेटिया तो पढ़े और झांसी की रानी की तरह जिंदगी जिए जो मेरे साथ जो हुआ कोई भी बेटियों के साथ ऐसे ना हो इसलिए शिक्षकों में महत्व दी आज के दिन में वो फुलबासन जो एक दिन ट्रेन में जाके कटाने कटने वाली थी बच्चों को मारने वाली थी कभी ये नहीं सोची थी कि राष्ट्रपति के साथ बैठूंगी खाऊंगी, लेकिन आज चाहे सोशल मीडिया हो टीवी हो यू, यूट्यूब हो या देश के जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं राज्य राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री संसद विधायक जो आज सभी लोग माँ बमलेश्वरी फेडरेशन का जो दो लाख महिलाओं का संगठन है जहाँ चालीस करोड़ बचत राशि है जो दो दो रुपए जमा किए थे दो दो लाख महिलाओं का जो काम है उनको हर आदमी सहरा आ रहे हैं, अच्छा चाह रहे हैं कि इन लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक जुनून एक लक्ष्य के प्रति चले तो बहुत कुछ किया जा सकता है मधुमक्खी की छात्रा की तरह है। तो आज ये नाम एक दिन भले मिट्टी के बर्तन में खाती थी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती थी ना एक कपड़ा था ना पैर में चप्पल था बस साइकिल से यात्रा शुरू की थी आज चालीस करोड़ तक और आज बड़ा बड़ा कंपनी महिलाओं का सहकारी सोसाइटी चाहे सीताफल का काम हो चीताफल का पल्फ तैयार होना हो या दूध डेयरी हो बड़ा बड़ा काम महिलाएं कर रही है और लाखों लाखों महिलाओं का पालन पोषण माँ बमलेश्वरी फेडरेशन के तहत हो रहा है आप लोग थोड़ा से समय में थोड़ा सा लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो गया है हमारे लिए कुछ नहीं है अब हमको मरना है हमारे पास कोई नहीं है मैं तो यही कहूँगी कि शायद मेरे जैसे जिंदगी किसी का ना हो क्योंकि जिंदगी को लक्ष्य बनाना है जिंदगी को अच्छा चलना है तो जैसे हम अपने बच्चे लोगों में मार रही थी स्वयं मानना चाह रही थी लेकिन इतना खराब नहीं है हम अपना सोच को बदल ले सोच बदलेंगे तभी हमारा आ, हमारा काम हमारा लक्ष्य चलेगा दुनिया में कौन क्या बोल रहा है छोड़ दो हमारा क्या फर्ज जाए अपने लिए अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए इसमें ध्यान दो क्योंकि दुनिया तो कभी आपका पैर पकड़ के खींचेंगे ही कोई नहीं चाहेगा कि आपको आगे बढ़ना है वो सिर्फ आपको आगे बढ़ाएगा आपका सोच और आपका निडर बनना क्योंकि डर कोई ही आप एक तलवार बना लो ढाल बना लो झांसी की तरह निकल जाओ तो आपका साथ आप खुद अपना दोगे कोई आपको साथ देने वाला नहीं होगा जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा मेरा प्रेरणा देना चाहती हूँ और वो गीत के माध्यम से आप लोग भी सुनिएगा और उसको उतारिए भी गा क्योंकि वो गाना नहीं है वो मेरा दिल का आवाज है जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है पाओ मिले चलने के खातिर पाओ पसारे मत बैठो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें